जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। मनुष्य का शरीर रहस्यमय है और रहस्य का एक कारण है आवरण, हमारी चमड़ी आवरण है। भीतर में जो हो रहा है उसका पता नहीं चलता क्योंकि एक आवरण आया हुआ है। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि वाला कोई व्यक्ति हो तो वह आकृति को देखकर बहुत ज्ञान कर सकता है, पहचान कर सकता है कि भीतर में क्या चल रहा है। आदमी जो सोच रहा है ऐसे पता नहीं चलता हर किसी को, किंतु एक मनःपर्यव ज्ञानी है उसको पता लग जाएगा कि क्या सोच रहा, वह पूरी बात बता देगा कि तुम अभी क्या चिंतन कर रहे हो, क्योंकि मन को पढ़ने का ज्ञान उन्हें प्राप्त है। पांच ज्ञान बतलाए गए, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान पांच है, उनमें चौथा ज्ञान है मनःपर्यव ज्ञान, यानी मन के अवस्थाओं को पढ़ने वाला ज्ञान। वह पढ़ सकता है सर, उससे कोई छिपा नहीं रहता। इतने लोग सामने बैठे हैं, एक दूसरे से छिपा हुआ है, आकृति को तो देखता है पर भीतर में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं लगता। भीतर में कोई साजिश बना रहा है, कोई योजना बना रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, या कोई मैत्री की योजना कर रहा है, या कोई संबंध की योजना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है पता नहीं लगता। अब तो मनःपर्यव ज्ञानी तो नहीं है, पर मनोविज्ञान का विकास हो तो भी पता थोड़ा बहुत चल सकता, पूरा तो नहीं चल सकता, कुछ पता लग सकता है। क्योंकि जो बात मन में है वह चेहरे पर अंकित हो जाती है। मन महीप के आचरण दृग दीवान कही देख, एक बहुत सुंदर लिखा गया कि भय चिंता आलस अमन सुख दुख हेत अहेत, मन महीप के आचरण दृग दीवान कही देख। मन रूपी तो है राजा और आंख है उसकी दूत, प्रतिनिधित्व करने वाली, दीवान है, मंत्री है। पुराने जमाने राजाओं के दीवान होते थे, तो आंखें दीवान है। तो अब राजा क्या सोच रहा है वह बात यह दीवान बता देता है, मन क्या सोच रहा है आंखें बता देती है, आंख से भी पता लग जाता है कि क्या सोच रहा है। एक उदाहरण के रूप में कहें तो भय, भय है भीतर में, मन भय से आक्रांत है, आंख बता देगी कहां अब यह डरा हुआ है, आंख में सारा प्रतिबिंबित हो जाता है। चिंता, एक आदमी चिंता में है, आंख साक्षी दे देगी अभी यह चिंता में है, अभी स्वस्थ नहीं।
आलस्य, आलस्य का तो आंख देती है, जब भी आलस्य आता है आंखें अधमुंदी सी हो जाती है, अपने आप पता लग जाता है। अमन, मन अच्छा नहीं है, उसका भी वह पता लग जाता है, अमनस्कता का भी पता लगता है। सुख दुख, सुख में आंखें विकश्वर हो जाती है, दुख में आंखें सिकुड़ जाती है, कुमला जाती है। हेत अहेत, किसी के साथ प्रेम है, हेत है, प्रियता है, तो आंख इतना जल्दी पता देती है कि सामने आते ही खिल जाती है। चक्षुषा पपौ, संस्कृत साहित्य में आता है चक्षुषा पपौ, आंख से पी गए उसको, मतलब देखते ही आंखें खुल जाती है, विकस्वर हो जाती है। और अहेत, कोई विरोधी सामने आता है, अप्रिय व्यक्ति सामने आता है, तो आंखें एकदम रंग बदल जाता है, लाल हो जाती है, और कुछ हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। तो आंख भीतर की बात बता देती है, ललाट भी भीतर की बात बता देता है, ललाट पर होने वाली रेखाएं भी भीतर की बात बता देती है, और उसी आधार पर यह फेस रीडिंग की विद्या का विकास हुआ कि आकृति विज्ञान, आकृति को देखो और भीतर को जान लो। सबके पास मनःप्रयोग ज्ञान नहीं होता, बड़ी साधना के बाद प्राप्त होता है मनःप्रयोग ज्ञान, और यह आकृति विज्ञान भी सबको उपलब्ध नहीं होता। कोई कोई आदमी इतना कुशल होता है जो बता देता है। तो भीतर की दुनिया को समझना बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। आवरण है, चमड़ी का आवरण, ढक्कन आ गया, इसे भीतर का पता नहीं लगता। किंतु अगर व्यक्ति साधना करे, वो भीतर को देखने की साधना करे, तो वह फिर बाहर कम देखता है, भीतर का उसको पता लग सकता है। बहुत बार होता है, एक आकृति को देखा, एक बात कही, सामने वाले को अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली। मन की बात को तो जाना जा सकता है, किंतु सामने वाला इतना गंभीर अध्ययन करने वाला व्यक्ति हो तभी पता लगता है। सामान्य नियति, सामान्य स्थिति यह है कि आदमी बाहर के आकार को तो जानता है, भीतर को नहीं जानता। फिर भी एक कसौटी हमारे सामने और है, और वह है व्यवहार। व्यवहार, आदमी जो व्यवहार करता है उससे पता लग जाता है कि आदमी भीतर में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। शायद बिहेवियर साइकोलॉजी का विकास हुआ, व्यवहार मनोविज्ञान सारा जो व्यवहार का विश्लेषण करता है, और व्यवहार के आधार पर बहुत सारी बातें सामने आती है। प्रसंग रहा कषाय का, कषाय, अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कषाय उपशांत होता है, क्रोध मान माया लोभ शांत रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका ये कषाय चतुष्क उद्दीप्त रहता है, बहुत ज्यादा उग्र रहता है। अब वही प्रश्न आएगा कि ये शांत कषाय है, ये उग्र कषाय है, हमें पता कैसे चले? पता लगना चाहिए। पता कैसे चले? इसका कषाय तो बड़ा उत्तेजित है, उद्धृत है, उद्धत है, और इसका उपशांत है, प्रशांत है, हमें पता कैसे चले? तो पता व्यवहार के आधार पर एक निर्धारण किया गया कि व्यवहार को देखो, पता लग जाएगा कि भीतर में कैसा है। दो वर्ग कर दिए,
एक मंद कसाय और एक तीव्र कसाय। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका कसाय मंद है, उपशांत है, मंद है, मंद में कोई खास पता नहीं लगता, बहुत मंद है, आग की आंच इतनी मंद हो गई कि हाथ भी लगा दे तो कोई खास बात नहीं रहती, आंच मंद हो गई। और एक आग की लपट है, सबको पता लगता है, परिणाम भी होता है। तो आदमी का कैसे पता लगे कि इसका कषाय मंद है? बड़े अध्ययन के बाद आचार्यों ने, अनुशीलन के बाद, एक निष्कर्ष की भाषा में कहा कि पीय वायणम, मंद कषाय का पहला लक्षण है पीय वायणम, प्रिय वचन। अगर वह बोलता है तो प्रिय वचन बोलता है, कटु वचन मुंह से नहीं निकलता, मीठा वचन मुंह से निकलता है। कीड़े कभी नहीं झरते, अमृत की बूंदें टपकती है, तो समझ लो ये मंद कसाय वाला व्यक्ति है। एक बड़ी कसौटी है व्यवहार की, कटुक वचन बोलने वाला है तो समझ लो कि भीतर में भी कसाय की आग जल रही है, और मीठा वचन बोलता है तो समझ लो कि कसाय की आग भीतर में शांत है, पता लग जाएगा। एक लक्षण पता लग गया हमें, लक्षण का काम ही है कि जो चीज दिखाई नहीं देती पर लक्षण के द्वारा उसका पता लग जाता है। दूसरी बात कि दुब्बैणे दुज्जड़े खम कारणम, सामने वाला व्यक्ति दुर्वचन बोल रहा है, खराब वाणी कह रहा है, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहा है, अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है, दुर्जन आदमी है, और सामने वाला व्यक्ति क्षमा कर रहा है, शांत है, कुछ भी नहीं कह रहा है। समझ लो वह उपशांत कसाई वाला, मंद कसाई वाला, और सामने वाला व्यक्ति है तीव्र कसाय वाला। ना दुर्वचन को सहन कर ले, कसाय शांत है, नहीं तो सहन नहीं कर सकते। अनेक घटनाएं आती है, भगवान बुद्ध की भी ये घटना आती है, आदमी आया बहुत गालियां दी, गाली कोई बुरे आदमी को दी जाती है ऐसा नहीं मानना चाहिए, भले भले आदमियों को भी गालियां बहुत दी जाती है, क्यों, गाली देने वाला कैसा है, सुनने वाला कैसा है अलग बात है, देने वाला तो आक्रोश में आता है, सबको गालियां देता है, किसी को बख्शता नहीं है, जब आवेश में आता है सबको गालियां दे सकता है, गालियां दी, बोलता ही गया, आखिर थक गया, गुस्सा नहीं आया, थक गया, क्या बात है, गुस्सा नहीं आ रहा है, तब बोला कि मैंने तुमको इतनी गालियां दी और तुम्हें गुस्सा नहीं आया, वापस बोले नहीं तुम, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तूने दी, तुम्हारी इच्छा है, तुम समझते हो, व्यवहार के आदमी हो, समाज में रहते हो, व्यवहार को जानते हो कि जब कोई प्रसंग होता है, विशेष स्थिति आती है, लोग हाथी देते हैं, हाथी चलती थी पुराने जमाने में, हाथी देते, तो जिस घर में कोई प्रसंग है वह हाथी देता है और अमुक घर को देता है, वहाँ कोई आदमी हाथी लेकर गया और वह कहता नहीं मैं नहीं रखूँगा, तो हाथी कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कि जहाँ से लाया था उसी घर पर चली जाएगी। अब तूने गालियाँ दी, हाथी दी मुझे, और मैंने तुम्हारी हाथी को स्वीकार नहीं किया तो गाली कहाँ जाएगी, जिस घर से आई उसी घर पर जाएगी, तो गालियाँ वापस तुम्हारे पास आ गई, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, मैं गुस्सा क्यों करूंगा, फिर लज्जित हो गया।
समझ में आया कि कितनी भूल मैंने की है। तो जो व्यक्ति इतना शांत रह सकता है, इतना शांत, समझ लो मंद कसाय वाला, कसाय उसका मंद है, उपशांत है, दुर्वचन कहने पर भी कभी उत्तेजित नहीं होता, समस्या आने पर भी उत्तेजित नहीं होता। आचार्य तुलसी विमानी में थे, कुछ व्यक्ति आए, आकर बोले, आचार्य जी हम आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहते। गुरुदेव ने कहा अब शास्त्रार्थ का जमाना चला गया, पुराने जमाने में शास्त्र होता था, अखाड़े जमते थे, मल्ल कुश्तियाँ सी होती थी और बड़ा भारी आडंबर होता था। गुरुदेव ने कहा अब जमाना चला गया, अब आप क्या करेंगे? बोले नहीं हमें तो करना है। इतना आग्रह किया, गुरुदेव ने कहा आखिर आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं आप, क्यों करना चाहते हैं आप, यही बात कर ले। अब बाजार में जाएं, एक को मध्यस्थ बनाएं, एक को अध्यक्ष बनाएं, एक को यह बनाएं, इतना बड़ा समारंभ करना बाजार में कहाँ संभव होगा और कौन नेतृत्व करेगा उसका? आपको बात करना हो तो यहाँ कर ले, हम आप पूछ ले, हम उत्तर देने को तैयार है। क्या नहीं हमें तो शास्त्रार्थ ही करना है। इतना आग्रह किया, तब गुरुदेव ने पूछा आखिर बता दें आप चाहते क्या है? आदमी भले थे, कह दिया आचार्य जी हमारी इच्छा यह है कि हम बाजार में सरे वा आम आपको हराना चाहते। अब ऐसी बात है कि आदमी उत्तेजना में आ जाएगा, एक आदमी और इतने बड़े महान आचार्य को हराने के लिए आए और बात कहे तो उत्तेजना का प्रसंग हो सकता है। पर उसके साथ भी अच्छा व्यवहार, समझ लो सामने मंद कसाय वाला व्यक्ति है। आचार्य वर ने कहा बस आपकी इतनी सी इच्छा है तो फिर एक चूहिया को निकालने के लिए पहाड़ को खोदने की क्या जरूरत है? आप भिवानी के बाजार में जाकर कह दें हम आचार्य तुलसी के पास चर्चा करने गए थे और वे हार गए, हम जीत गए, बस मेरी ओर से आप कह दें। अब आप स्वयं समझ लें कि एक ओर से कसाय की तीव्रता है और एक ओर से कसाय की मंदता है, उपशांति है। हम व्यवहार से पता लगा सकते हैं, हमारे सामने पता लगाने के दो साधन हैं, तीन साथी हैं, शरीर, मन और वाणी, तीनों साथी हैं, तीनों का साझा है, मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए पता लगाना कोई कठिन बात नहीं है। मन में कुछ है तो वाणी के द्वारा बाहर निकल जाएगा, जो मन में है वाणी से निकलेगा, और इसीलिए वह कहावत चल पड़ी कि बोल्या के लाधा, बोल्या के लाधा, बस बोला पता लग गया कि आदमी कैसा है, वाणी भीतर की बात को प्रकट कर देती है और कभी कभी शरीर प्रकट कर देता है। वाणी का व्यवहार और शारीरिक व्यवहार ये गवाही देता है, साक्ष्य देता है कि भीतर में आदमी कैसा है। कि जिस व्यक्ति का कषाय मंद होता है वह क्षमा करना भी जानता है, ऐसे लोग भी हैं। एक बार भी कुछ हो गया, ऐसी गांठ घुल गई कि मरते समय श्वास तो उसका निकल जाएगा पर वह गांठ मरते समय भी नहीं खुलेगी, साथ लेकर चला जाएगा, ऐसे लोग भी होते हैं। तो समझ लो कि वह व्यक्ति कोई तीव्र कसाय वाला व्यक्ति है, मंद कसाय वाला है। वह पहले तो ऐसा असद व्यवहार करता नहीं और अगर किसी के साथ हो गया तो शांत कर देता है, और किसी दुर्जन व्यक्ति ने उसके साथ अप्रिय व्यवहार किया, असद व्यवहार किया, उसे भी वह क्षमा करना जानता है। बहुत बड़ी बात है क्षमा करना, बहुत कठिन काम है क्षमा करना, किंतु जिसका कषाय शांत होता है वह
क्षमा कर देता है। मंद कसाई के लक्षण, एक प्रिय वचन, कटु वचन नहीं बोलता, दूसरा दूर वचन कहने वाले को भी क्षमा कर देता है, और दुर्जन दुर्व्यवहार करने वाले को भी क्षमा कर देता है। तीन कसौटियां या तीन लक्षण हमारे सामने आ गए। चौथा लक्षण है गुण ग्रहणम, गुण ग्रहण। दोनों प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि गुण में भी दोष देखता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि दोष में भी गुण देखता है, दूसरे के गुण का ग्रहण कर सकता है, दूसरे के ग्रहण की गुण की प्रशंसा कर सकता है, और दूसरे के गुण को प्रोत्साहन भी दे सकता है। जिस व्यक्ति में गुण ग्रहण करने की क्षमता है वह वास्तव में शांत कषाय वाला है। महात्मा गांधी सचमुच उपशांत कषाय वाले व्यक्ति थे। यह तो आप जानते हैं कि कोई भी काम करता है तो विरोधी भी इस दुनिया में हुए बिना नहीं रहते, विरोधी भी होते हैं, अप्रिय प्रसंग करने पैदा करने वाले भी होते हैं, सब प्रकार के लोग होते हैं। गांधी जी के पास एक लिफाफा आया, पत्र था, साथ में पिन भी था, तो गांधी जी ने देखा और पत्र को पढ़ लिया। पत्र सारा पत्र क्या था, गांधी जी को गालियां ही गालियां। पढ़ लिया, अब वह व्यक्ति जिसने पत्र लिखा था स्वयं आया, आखिर बोला आपने मेरा पत्र पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। तो फिर क्या किया आपने? कि तुम्हारे पत्र में जो बातें थी लिखा था उसको तो मैंने पढ़ा और रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और तुम्हारे पत्र के साथ जो निक थी उसको मैंने ले लिया, मेरे पास रख लिया, मेरे काम आ जाए। जो काम की बात थी मैंने रख ली, और जो निकम्मी बात थी उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तुम्हारी बात समाप्त हो गई। एक व्यक्ति गुण ग्रहण करता है, दोष में भी गुण निकाल लेता है, दोष में भी अच्छाई निकाल लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी तुलना संस्कृत साहित्य में मक्खी के साथ की गई, मक्षिका इव व्रणे। जहां भी मक्खी है और शरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी है, सीधी जाकर वहां बैठे। मक्खी बहुत छिद्र को देख लेती है, दोष को देख लेती है, तो एक छिद्रान्वेषण करना, दोष का छिद्रान्वेषण करते रहना। और एक व्यक्ति गुण ग्रहण कर लेता है, जितनी बात काम की होती है गुण की होती है उसको ले लेता है। ये तो जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई गुण न हो, और ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जिसमें कोई दोष न हो, कोई कमी न हो। जब तक व्यक्ति वीतराग नहीं बन जाता तब तक गुण और दोष दोनों रहते हैं। मात्रा का अंतर है, मात्रा का, तो किसी में दोष की मात्रा ज्यादा होती है और गुण की मात्रा कम होती है, और किसी में गुण की मात्रा ज्यादा होती है, दोष की मात्रा कम होती है। हमारी दुनिया में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसको हम अमृत कह सकें, जिसको विष कह सकें। विष में भी अमृत की मात्रा है, अमृत में भी विष की मात्रा है। तो फिर हमारी दृष्टि का अंतर है, दृष्टि का। अगर हमारी दृष्टि गुण ग्रहण करने वाली है तो बुराई में से भी हम अच्छाई को निकाल ले। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।